जॉन नैश दुनिया के कुछ सबसे महान गणितज्ञों में से एक थे। उनका जीवन एक ऐसी छाप छोड़कर गया है इस दुनिया पर जिससे आज भी प्रेरित होकर लोग अपने जीवन में सफलता हासिल कर रहे हैं। 1994 प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। जॉन नैश अपना लेक्चर खत्म करके क्लास से बाहर आते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई अजनबी खड़ा है क्लास के बाहर जो कि उनसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन वो अपने आप पर विश्वास न करते हुए पास ही खड़े एक स्टूडेंट से पूछते हैं कि क्या सही में मेरे सामने कोई खड़ा है या मुझे भ्रम हो रहा है। वो स्टूडेंट जॉन नैश की मानसिक बीमारी को पहचानता था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सर, सही में कोई खड़ा है और आपसे कुछ कहना चाहता है। जिसके बाद जॉन नैश उस अजनबी से बात करने लगते हैं और वो अजनबी नोबेल प्राइज की तरफ से था। मानसिक बीमारी स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित होने के बावजूद जॉन नैश ने मैथमेटिक्स की फील्ड में कभी काम करना नहीं छोड़ा। गेम थ्योरी, डिफरेंशियल ज्योमेट्री और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस जॉन नैश के कुछ बड़े कामों में से एक है जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जॉन नैश की पूरी कहानी, कैसे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी, कैसे वो बीमार हुए, अपनी बीमारी से लड़कर उन्होंने दुनिया को कैसे कुछ ऐसी थ्योरीज दी जो आज भी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इस्तेमाल करी जाती हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें। और दोस्तों, नीचे कमेंट जरूर करें। जब आप कमेंट करते हैं तो YouTube के सिस्टम को लगता है कि ये वीडियो सही में रेलेवेंट है और वो इसे आगे प्रमोट करते हैं। आपका एक छोटा सा कमेंट हमारे इस चैनल को आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। जॉन नैश का जन्म हुआ था 13 जून 1928 वेस्ट वर्जीनिया US में। उनके पिता एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और माँ स्कूल में टीचर। जॉन के पेरेंट्स उनकी पढ़ाई को लेकर काफी सीरियस थे और उन्हें हमेशा से ये लगता था कि उनका बेटा कुछ बड़ा करने आया है इस दुनिया में। जॉन नैश सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए बने हैं ये उन्होंने बचपन में ही दिखा दिया, जब स्कूल में मैथ्स की प्रॉब्लम्स को वो उन मेथड से सॉल्व कर देते थे जिसके बारे में उनकी टीचर्स को भी नहीं मालूम होता था। वो और बच्चों की तरह अपने स्कूल में लोकप्रिय नहीं थे, उन्हें कोई नहीं जानता था और ना ही उन्हें कभी किसी चीज़ से सम्मानित किया गया। उनके दोस्त बहुत कम थे, वो किसी एक्टिविटी या कॉम्पिटिशन में भाग नहीं लेते थे, लेकिन जॉन नैश 100% स्कॉलरशिप पाने वाले एक लौते स्टूडेंट बने थे अपने स्कूल में। मात्र 19 साल की उम्र में जॉन नैश ने मैथमेटिक्स में BS और MS की डिग्री हासिल करके अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। उनके कॉलेज प्रोफेसर रिचर्ड डफिन, जो कि एक जाने माने फिजिसिस्ट थे, उन्होंने जॉन नैश का एडमिशन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में करवाने के लिए खुद एक लेटर लिखकर भेजा। उस लेटर में लिखी सिर्फ एक लाइन के बलबूते पे जॉन नैश का एडमिशन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में हो गया और वो एक लाइन थी, दिस मैन इज अ जीनियस। जॉन नैश को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी ऑफर आया था, लेकिन उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। 22 साल की उम्र में आते आते उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर ली थी। सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था। उसी बीच वो अलिशिया नाम की एक लड़की से शादी कर लेते हैं, लेकिन अब जॉन नैश की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। 30वां जन्मदिन बनाने के बाद जॉन नैश की मानसिक हालत बिगड़ना शुरू हो गई, जिसका असर उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों पर पड़ रहा था। 1959 में वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर देने गए थे रेमन हाइपोथेसिस पर। उस लेक्चर में उन्होंने जो भी कुछ बोला सब कुछ समझ के परे था। ऑडियंस में बैठे सब लोग सोचने लगे कि ये क्या हो रहा है, ये कैसी अजीब सी बातें हो रही हैं, और उसी पल सबको रियलाइज हुआ कि कुछ गड़बड़ है। जॉन नैश स्किज़ोफ्रेनिया, जो कि एक बहुत ही रेयर और खतरनाक मानसिक बीमारी है, उसका शिकार हो चुके थे। इस बीमारी में मरीज को अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, उन्हें वो सब चीज़ें दिखाई देती हैं जो कि असलियत में नहीं होती। उनके दिमाग में ऐसे किस्से तक बन जाते हैं जो कभी हुए ही नहीं होते, लेकिन उनके लिए वो सब एकदम रियलिटी है। जैसे दोस्तों हम सब सपने देखते हैं, हमें लगता है कि सपने में देखी हुई सारी चीज़ एकदम रियल है, लेकिन जब हमारी आंखें खुलती हैं तो हमें रियलाइज होता है कि इट वॉज जस्ट अ ड्रीम। लेकिन इस बीमारी में जो मरीज होता है उसका ब्रेन ये एक्सेप्ट करने से मना कर देता है कि ये सब झूठ है, वहम है, एक सपना है। रियलिटी में होने के बाद भी मरीज का ब्रेन एक दूसरी दुनिया बना देता है और जब ये काल्पनिक दुनिया असल दुनिया से मिलती है तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सेम ऐसा ही कुछ हो रहा था जॉन नैश के साथ। उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी। उन्हें लगता था लाल टाई पहनने वाला हर इंसान कम्युनिस्ट कॉन्स्पिरेसी की साजिश रच रहा है उनके खिलाफ और उनके देश के खिलाफ। जॉन नैश ने वॉशिंगटन DC US एम्बेसी में लेटर तक लिखे कि हमारे देश पर हमला होने वाला है, पर असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं था और ये सब उनकी बीमारी थी। जॉन नैश की हालत बहुत बिगड़ जाने के बाद उन्हें मैकलेन हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। उसी समय उनकी वाइफ ने
एक बेटे को जन्म दिया। उनकी पत्नी ने दोस्तों अपने बेटे का नाम नहीं रखा इस आस में कि जब जॉन नैश आएंगे तो वो अपने हिसाब से अपने बेटे का नाम रखेंगे। लेकिन देखते ही देखते एक साल गुजर जाता है और जॉन नैश नहीं आते। उसके बाद जॉन नैश का हॉस्पिटल से आना जाना लगा रहता है। इन सब से परेशान होकर उनकी वाइफ उन्हें डाइवोर्स दे देती है, जो कि और भी मुश्किलें खड़ी कर देती है जॉन नैश के लिए। दोस्तों, जॉन नैश का इलाज बहुत ही दर्दनाक होता था। उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते थे, बहुत ही हैवी डोजेस की दवाई दी जाती थी। जॉन नैश ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें जबरदस्ती प्रेशर में आकर दवाई खानी पड़ती थी। ऐसा भी कहा जाता है कि उन्हें नई प्रकार की नई बनाई हुई दवाइयां खिलाई जाती थी। एक तरह से उनके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, क्योंकि दोस्तों ये जो बीमारी थी स्किज़ोफ्रेनिया बहुत ही रेयर थी और बहुत ही खतरनाक। ये सिलसिला दोस्तों काफी लंबा चला, इतना कि उनकी जिंदगी के 25 से 30 साल इस बीमारी से लड़ने में निकल गए। लेकिन उन्होंने कभी दोस्तों गणित को नहीं छोड़ा। जैसे ही वो थोड़ा नॉर्मल हो जाते, कुछ ना कुछ गणित में करने लगते। 1970 में वो आखिरी बार हॉस्पिटल गए और फिर साफ कह दिया कि अब से मैं दोबारा कभी हॉस्पिटल में नहीं जाऊंगा और ना ही किसी भी तरह की दवाई खाऊंगा, अब बस बहुत हुआ। जॉन नैश ऊब चुके थे अपनी जिंदगी से, अब वो सिर्फ शांति चाहते थे, एकांत, अकेले में रहना चाहते थे, वो गणित में अपना समय देना चाहते थे। उनकी वाइफ जिसने उन्हें छोड़ दिया था, वो फिर से उनसे शादी कर लेती है और दोबारा उनका एक बेटा पैदा होता है। बदकिस्मती देखो दोस्तों, जॉन नैश के दूसरे बेटे को भी स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी होती है, लेकिन सही केयर की मदद से वो भी सरवाइव कर जाते हैं। हालांकि ये बीमारी ऐसी है दोस्तों जिसका ट्रीटमेंट लाइफ टाइम इम्पैक्ट छोड़कर चला जाता है, क्योंकि जो ड्रग्स यूज किए जाते हैं इसके ट्रीटमेंट में वो बहुत ही हाई लेवल के होते हैं और उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। 1994 में जॉन नैश को उनकी गेम थ्योरी के लिए इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला। और वो कहते हैं ना दोस्तों, कुछ घटनाएं, कुछ मोमेंट्स लाइफ में ऐसे होते हैं जो हमारी जिंदगी की पूरी डायमेंशन को ही बदल देते हैं, और ये नोबेल प्राइज का इवेंट कुछ इसी प्रकार रहा जॉन नैश के लिए। बताते हैं कि जब जॉन नैश नोबेल प्राइज को लेने के लिए स्टेज की ओर बढ़ रहे थे, तब सबको लगने लगा कि अब कुछ हरकत होगी। इवन जॉन नैश ने भी एक इंटरव्यू में बोला था कि मुझे अंदर से डर लग रहा था कि मैं कहीं स्टेज पर जाकर कुछ ऐसी हरकत ना कर दूं जो मुझे नहीं करनी चाहिए। लेकिन सब कुछ एकदम नॉर्मल हुआ और नोबेल प्राइज मिलने के बाद जॉन नैश और भी ज्यादा स्टेबल हो गए, या फिर यूं कहें एक तरह से ठीक हो गए। इस मानसिक बीमारी स्किज़ोफ्रेनिया को दिमाग का कैंसर भी कहा जाता है, क्योंकि ये होती ही इतनी खतरनाक है। और ये वही बीमारी है दोस्तों जो हमारे हिंदुस्तान में जन्मे डॉक्टर वशिष्ठ नारायण को हुई थी, जिनकी कहानी और भी ज्यादा रोमांचक है। मैंने उनके ऊपर भी वीडियो बनाई है, तो इस वीडियो के बाद उसको जरूर देखें। उस वीडियो में जानिए कैसे बिहार में जन्मे वशिष्ठ नारायण नासा में काम करते थे, लेकिन बाद में उनकी बीमारी ने उन्हें सड़क पर ला दिया। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन या फिर इधर ऊपर आई पर क्लिक करें। जॉन नैश ने अपनी बाकी की जिंदगी नॉर्मल तरीके से जी अपने परिवार के साथ, और मैथमेटिक्स में उन्होंने और काम किया। लेकिन 23 मई 2015 को जॉन नैश और उनकी वाइफ की बहुत ही दुखद तरीके से एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। एक ऐसी खतरनाक बीमारी जो जॉन नैश को ना हरा पाई, वो जॉन नैश इस अनप्रेडिक्टेबल लाइफ के सामने हार गए। दोस्तों, लाइफ में किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं है और कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। अपने जीवन को इस तरह जियो कि अगर कल तुम्हें पता हो कि तुम्हारा आखिरी दिन है तो तुम खुशी खुशी जाओ, बल्कि ये ना हो तुम्हारे मन में कि यार काश एक दिन और मिल जाता तो मैं ये कर लेता। लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल, वी डिजायर समथिंग, प्लान समथिंग एंड गेट समथिंग एल्स। सो बी ग्रेटफुल फॉर एवरी मोमेंट, बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग यू हैव, लिव योर लाइफ लाइक यू हैव लिव्ड इट नेवर बिफोर एंड ऑलवेज।